गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास में बेटा मैंने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा ये करवाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि हीरा और मोती दो बैल हैं और वो जो हैं उसका मालिक उसे प्यार करता था और मालिक का जो साला था उसके घर पे वो जो है भेज दिए जाते हैं और वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। कौन गया तो फिर वहाँ से बुरा व्यवहार होने के कारण वो रस्सी तुड़वा के वापस अपने मालिक जूरी के घर आ जाते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं तो सब बच्चे उनका स्वागत करते हैं, कोई रोटी देता है, कोई उसको गुड़ देता है, उनको गुड़ देता है। तो बालक आपस में बात करते हैं कि ऐसे बैल किसी के नहीं होंगे जो इतनी दूर से चले आए। तो इस प्रकार जब जूरी की स्त्री ने बैलों को देखा तो वो जल गई। उसने कहा कि नमक हराम बैल हैं, इसलिए मेरे भाई के घर पे काम नहीं किया होगा और वहाँ से भाग आए होंगे। जूरी को अपने बैलों के बारे में सुनकर बेटा ये अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि नमक हराम क्यों है, वहाँ पे कुछ खाने को ही नहीं दिया होगा इसलिए आए हैं। तो उसकी पत्नी ने रोब से कहा, बस तुम ही हो जो बैलों को खिलाना जानते, और तो कोई खिला नहीं सकता। तो फिर जूरी ने कहा कि अगर चारा मिलता तो ये क्यों भाग के आते। अब उसकी स्त्री जो है चिढ़ गई और चली गई और उसने कहा कि वे ये दोनों तो जो हैं काम चोर हैं, भाग के निकल के आए हैं और इसलिए जो है वहाँ से भाग के आए हैं। तो फिर बैलों ने जो है उसमें जहाँ उनको चारा था उसमें मुंह डाला तो फीका फीका उसमें ना कोई चिकनाहट थी ना कोई खाक था और आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने कहा, मतलब उसकी पत्नी ने गुस्से में ऐसा उनको चारा दिया, तो जूरी ने कहा कि इसमें थोड़ी सी खली और डाल दो। खली यानी कि वही चारे का जो है हरा चारा, मतलब अच्छे वाला। तो नौकर कहता है कि नहीं, मालकिन मुझे मार देगी। तो उसने कहा कि चुरा के डाल दे, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने बैलों से जो है वो प्यार करता था। फिर दूसरे दिन जो है क्या होता है कि जूरी का साला फिर से आ जाता है और बैलों को ले जाता है। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, क्योंकि उनका मन नहीं था जाने का, लेकिन हीरा संभाल लिया, तो क्योंकि वह ज़्यादा सहनशील था। यानी कि यहाँ से आपको पता लगता है कि मोती जो है उसमें गुस्सा था, लेकिन हीरा जो है वो थोड़ा सहनशील था। शाम के समय पर जो है वो दोबारा से जब उसको गया लेने आया तो दोबारा से वो उनके घर पहुँच जाते और मोटी मोटी रस्सियों में गया उनको बांध देता है और कहता है कि कल तो तुम यहाँ से भाग गए थे, शरारत की थी, आज मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। फिर वो उनको सूखा भूसा डालता है और दोनों बैलों को अपने आप यूँ लगता है कि अपमान हुआ और जूरी तो हमें यानी उनका पहला मालिक वो तो हमें कभी छड़ी से छूता भी नहीं था और ये हमें इतनी बेरहमी से मारता है। और फिर उनके लिए जो सूखा भूसा चारा यानी डाला गया तो उन्होंने उसको बिल्कुल देखा भी नहीं। दूसरे दिन फिर गया ने जो है पहले दिन उनको भूखा प्यासा रखा, सूखा थोड़ा बहुत सूखा जो है उनको खाने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने एक भी पैर उठाने की कसम खा ली। वह मारता मारता थक गया, पर दोनों ने सलाह मिला के अपना पैर आगे नहीं रखा। किसने? दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने। अब खूब डंडे मारे गए तो मोती को थोड़ा मोती मैं पहले बता चुकी हूँ कि मोती थोड़ा गुस्से वाले स्वभाव का था, तो उसको गुस्सा आ गया और जो है हल रस्सी जुआ सब कुछ उसने जो है टूट टाट के बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ, वो कहता है कि हमारे गले में अगर बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो जो है हम इसकी पकड़ाई में कभी नहीं आते। फिर हीरा ने मूक भाषा में कहा, मूक कौन सी भाषा है जिसमें हम अपने विचार, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपने विचार जो हम हैं इशारों में प्रकट करते हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि पशु बोलते नहीं हैं तो वो अपने विचार जो हैं गर्दन हिलाकर या इस तरीके से अपने विचार बताते हैं। हीरा ने जैसे मूक भाषा में कहा कि अब तो भागना व्यर्थ है। मोती ने कहा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली, हीरा को बहुत मारे थे, अब की बार मार पड़ेगी, पढ़ने दो। वो दोनों मूक भाषा में बात कर रहे हैं, पढ़ने दो, बैलों का तो जन्म ही हुआ है, अब मार खाने से कहाँ बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो इनको मजा चखा दूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई,
खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। तो ये दोनों आपस में वो जो है बात कर रहे थे। उसके बाद फिर वो कहता है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम किसी को मारे। मोती दिल में ऐड कर रह गया और दो जो वो व्यक्ति जो दो व्यक्ति आए थे यानी गया के साथ, वो दो गया आया और उसने दोनों को पकड़ के लेके चल पड़ा। और उसके बाद गया जो है उसके सहायक समझ गए यानी उनके साथ जो दो व्यक्ति थे कि इस वक्त टल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने गया ने फिर सूखा भूसा डाला, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस समय पर गया की एक लड़की थी यानी झूरी के साले की, और वो लड़की जो थी उसकी जो माँ थी वो तो मर चुकी थी, और गया की जो पत्नी थी वो उसकी सौतेली माँ थी। तो उस लड़की को भी गया की पत्नी जो है पीटती थी, क्यों? क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी, और तो इसलिए वो उसको मारती थी, पीटती थी, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। तो घर के लोग जब भोजन करने लगे, उस वक्त छोटी सी लड़की ने दो रोटियां ली और चोरी से जाके दोनों हीरा और मोती के पास गई और उनके मुंह में एक एक रोटी डाल दी। तो उस रोटी से उन दोनों का इतना भारी भरकम शरीर जो है संतुष्ट तो नहीं होता, लेकिन वो लड़की उनके लिए प्यार से रोटी लेके आई, तो इस तरह से मानो उनके जो है हृदय को भोजन मिल गया हो। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा कि उस रोटी से भूख तो क्या शांत होती, पर हृदय को मानो भोजन मिल गया, इसका आशय स्पष्ट करो। इसका यही है कि सौतेली माँ जो है उस गया के बेटे के साथ बुरा व्यवहार करती थी, और जिससे कि वो जो है जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था बैलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता था। छोटी लड़की ने सोचा कि मुझ में और बैलों के साथ सेम व्यवहार होता है, तो इसलिए उसके मन में उनके प्रति दया आई और वो चोरी से दो रोटी चुरा के और उनको खिला देती थी। तो इस प्रकार से जो है बैलों की उसके साथ प्रेम भरी आत्मीयता हो गई। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी कल करेंगे।